तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वन फॉर ऑल इन हिंदी। दोस्तों आज हम बात करेंगे जय कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में, और यहां पर हम आपको बताएंगे कि जो गोलियां रिलोड करता है क्या वो गोलियां हमारे बैकपैक से खाली होती हैं कि नहीं होती हैं। तो सारी डिटेल मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है कैरेक्टर के ऊपर, और यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले उसकी जो स्किल है वो क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रैंगिंग रिलोड नाम है इसकी स्किल का, और ये है पैसिव स्किल। एक्टिव स्किल वो होती है जो हमें खुद यूज करनी पड़ती है क्लिक करके, और पैसिव वो होती है जो हम ऑटोमेटिक हमारे यूज में आ जाती है टाइम के साथ साथ। तो इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना दी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और जो मेरे पास जय कैरेक्टर है इसकी स्किल यहाँ पर दी हुई है, जो ये है लेवल 4 का हमारे पास, और यहाँ पर 19% जो एमओ जो है ऑटोमेटिक रिलोड कर देता है, वो भी किस किस चीज़ में, तो एआर की पिस्टल की, एसएमजी की। तो हम इसका टेस्ट भी करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर लेवल अप पे चलते हैं और ये देख लेते हैं यहाँ पर कि लेवल 6 पे ये कितना वर्क करेगा। तो यहाँ पर जैसे लेवल 6 के ऊपर हम चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पर जब लेवल 6 का हो जाएगा हमारा जय कैरेक्टर तो इसकी एबिलिटी क्या वर्क करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 25% जो है एमओ ये रिलोड कर देगा किस किस की, जैसे एसएमजी एमओ वाली जो गन हो गई, एआर एमओ वाली हो गई, और यहाँ पर पिस्टल की एचजी एमओ वाली जो गन हो गई वो यहाँ पर ये रिलोड कर देगा 25%। सपोज करो कि जैसे मैगजीन में 100 एमओ आती हैं और सब खत्म हो गई है और बंदा किल हो गया, तो यहाँ पर 25% मतलब 25 एमओ आपको ये रिलोड करके दे देगा जब आपका ये लेवल 6 पर रहेगा तब। और ये एमओ 25% रिलोड करता है लेवल 6 पर। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, इसका टेस्ट करते हैं, और ये भी हम आपको बताएंगे कि ये एमओ जो बैग से ख़त्म होती हैं कि नहीं ख़त्म होती। सबसे पहले पिस्टल का टेस्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसा मैं इसको मार रहा हूँ, और आप यहाँ पर देखो एमओ बढ़ी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो इसलिए मैं धीरे से दिखाता हूँ। तो यार यहाँ पर स्लो मोशन में आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी एमओ ख़त्म हो रही हैं, और यहाँ पर 15 एमओ यहाँ पर बची हुई हैं, और उसके बाद यहाँ पर बंदा ये फिर बाहर आया और मैं इसको फिर मारने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर 12, 11, 10, 14 फिर हो गई। तो मतलब यहाँ पे 10 से 4 गोली ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ गई और हमारे पास 14 गोली हो गई। उसके बाद हम एसएमजी एमओ के ऊपर चलते हैं और एसएमजी एमओ की बात यहाँ पर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एसएमजी में हमारे पास है वीएसएस, और वीएसएस में हम इसको करेंगे ट्राई कि इसमें वाकई में क्या रिलोड होती है, ऑटो रिलोड होता है कि नहीं होता। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रेनिंग मोड है, और आप यहाँ पर देखो स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ मैं कि इसमें रिलोड होती है कि नहीं होती गोलियाँ। तो जैसा कि आप यहां पर देखो स्लो मोशन में, यहां पे मेरे पास 11 गोलियां हैं, फिर 10 बची, फिर उसके बाद यहां पर फिर मैंने मारी 9 बची, 8, 7, 6, 10, फिर मतलब कि 6 के बाद यहां पे सीधा 10 गोली हो गई। जैसे वो किल हुआ बंदा उसके बाद यहां पर 10 गोली हो गई। तो इसकी एबिलिटी जो है उसमें भी काम करती है, एसएमजी एमओ में भी। तो आपने यहाँ पर देख लिया। अब चलते हैं एआर के ऊपर, और एआर का यहाँ पर करते हैं टेस्ट। तो एआर एमओ के ऊपर चलते हैं और टेस्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो ग्रोजा है यहाँ पर, और इसका करेंगे हम टेस्ट, और उसके बाद फिर हम ले चलते हैं आपको कि आपको दिखाएंगे कि क्या जो ये एमओ यहाँ पर खर्चा होती हैं, और उसके बाद जो रिलोड होती हैं, जो एमओ रिलोड होने वाली एमओ क्या हमारे बैकपैक से कम होती हैं, तो मतलब क्या बैकपैक से हमारी एमओ जो है वो घटती हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको किल कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देखो ठीक से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये बंदा मेरे सामने जैसा कि भाग रहा था, आप इसको स्लो मोशन में आप देखो। तो यहाँ पर मेरे पास है 45 गोलियाँ, फिर उसके बाद 44, उसके बाद 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36 के बाद यहाँ पर 44 इकट्ठा, मतलब कि 36 के बाद यहाँ पर 44 इकट्ठा यहाँ पे गोलियाँ बढ़ गई हमारी, ठीक है। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे गोलियाँ तो बढ़ती, इतना तो हम लोगों के क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम यहाँ पर और आपको दिखाते हैं कि क्या हमारे बैकपैक से गोलियाँ कम होती हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर बरमूडा में खेलेंगे गेम, और उसके यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो आपको पहले हम कोई गन उठा लेते हैं और किसी एनिमी को किल करते हैं यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर मुझे एक एआर एमओ की एक गन मिल गई है, उसके बाद ये सामने बंदा रहा। तो आप यहाँ पर स्लो मोशन में देखो, यहाँ पर हमारे पास हैं 60 गोलियाँ इसमें लगी हुई हैं, और यहाँ पर 30 गोलियाँ हमारे बैकपैक में पड़ी हुई हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर देखो गोलियां बढ़ गई, लेकिन यहां पर गोलियां जो है कि हमारे बैकपैक से कम नहीं हुई। तो यार ये काफी मतलब कि कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा काम आ सकता है ये जे कैरेक्टर, लेकिन ये शॉर्ट गन की एमओ में जो एसजी एमओ होती हैं उनमें कोई वर्क नहीं करेगा, और जो यहां पर और लॉन्चर की एमओ होती है उनमें कोई वर्क नहीं करेगा। तो ठीक है, तो कुछ चीजों में ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो एरो वाली जो एमओ होती है उसमें वर्क नहीं करेगा, तो इसी तरीके से कुछ चीजों में वर्क नहीं करेगा, बस 3 चीजों में वर्क करेगा, पिस्टल में, एसएमजी एमओ में, और यहाँ पर जो एआर एमओ होती है उनमें। तो यहाँ पर इन 3 चीज़ों में ये वर्क करेगा, अन्यथा किसी चीज़ में ये वर्क नहीं करने वाला है भाई।
तो यार हमें कमेंट में ज़रूर बताओ आप लोग कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, यार आपके भाई का चैनल है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट रखा करो जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।